So, दोस्तों हम फिलहाल पहुंच चुके हैं रावड़ की ससुराल मंडोर। दोस्तों आप देख सकते हैं कैसा नजारा है यहाँ का। मैं आपको बता दूं उस टाइम में कितना सुंदर नजारा लगता होगा, जो सारी डिजाइने आप देख सकते हैं कितना प्यारा नजारा होगा। हम आपको बता दें हम इस टाइम जो रावड़ की ससुराल थी मंडोर में, जो किले की सबसे ऊंची मीनार थी, उस मीनार पे हम लोग बैठे हुए हैं, खड़े होकर वीडियो आपको बना के दिखा रहे हैं। कि इसमें एक मंदिर और है, ये भी इतने इसके इतना ही है लेकिन इससे थोड़ा बड़ा होगा, और यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, इस मंदिर के अंदर क्या चीज़ थी ऐसी। दोस्तों किस प्रकार के चिन्ह बनाए गए हैं आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों किस पशु के चिन्ह बने हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं देख के, और एक एक डिजाइन है इतनी बारीकी से बनाई गई है। उस जमाने में लगभग ये रावण के जमाने की जो महल दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप दोस्तों आप इधर देखेंगे एक सुरंग जैसी यहाँ पर बनी हुई है, ये टनल बताई गई है लेकिन इस पर नाम लिखा हुआ तो मिट गया लेकिन पता नहीं, अंदर काफ़ी कचरा है और पानी भी भरा हुआ आप देख सकते हैं दोस्तों इसको। और इस तरफ अंदर बने हुए सुरंग जैसे पता नहीं सुरंग कहाँ तक जाती है। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको जैसलमेर के कई सारे ब्लॉग दिखाए, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी दिखाया, तो हम जैसलमेर से कल 11:30 बजे निकले थे और अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ जोधपुर में। और जोधपुर में जो सबसे ज़्यादा फेमस है दोस्तों रावण की ससुराल, जो मंदोदरी थी रावण की पत्नी जी, इस जगह को बोलते हैं मंदोर। तो मंदोर गार्डन है, वहाँ पर रावण की ससुराल थी, उसी का मैं आपको ब्लॉग दिखाने वाला हूँ, और जहाँ पर रावण की शादी हुई थी और जहाँ के लोग आज भी दीपावली तक नहीं मनाते हैं उसका नज़ारा भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों गेट का कुछ ये नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है मंडोर उद्धा। तो हम लोग इधर से आए थे वापस, अभी हमने नाश्ता वास्ता यहाँ किया था, तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको पूरा नज़ारा यहाँ का क्लियर दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, इस पहले आपने इस टाइप की वीडियो कभी नहीं देखी होगी दोस्तों। और ये भैया यहाँ पे पार्किंग वार्किंग का टिकट लेते हैं, बाकी टिकट फ्री है ना पर्सन का? फ्री है, म्यूजियम का टिकट है। म्यूजियम का टिकट अंदर से मिलता होगा ना? म्यूजियम में क्या क्या दिखाई जाता है? रावण के इतिहास है लिखा है, मतलब अच्छा, जो रावण की ससुराल थी यही जगह पे थी पूरी रावण। और रावण के जो फेरे वगैरह हुए थे वो कौन सी जगह? यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 5 मिनट का रास्ता, ज्यादा नहीं, 5 मिनट बस, ज्यादा ही पैदल जाना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम ये जगह दिखा देते हैं फिर हम वापस पर जाएंगे। तो मंडोर की जोधपुर के अंदर है, अजीत पोल है, भैरव जी मंदिर है, देवताओं की साल है और संग्रहालय है, एक थम्बा महल है, देवल है, नागा दड़ी है, बांध है, पुराना मंडोर किला है। तो चलते हैं अंदर की तरफ, और ये पूरा पार्किंग का एरिया, और इधर आप ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं, पूरा आप देख सकते हैं दोस्तों जगह का, और अंदर रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं शायद। और ये मुख्य द्वार है, एक मुख्य द्वार गेट नंबर 1 है ये वाला। तो जैसे दोस्तों हमने गेट नंबर 1 से एंट्री की है, तो यहाँ पर पूरा ये इसका नक्शा बना हुआ है आप देख सकते हैं, और ये PWD के अंडर में आता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा नक्शा कहाँ पर क्या क्या चीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों। ये पूरा मैप बना हुआ है इस किले का, इस गार्डन का। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था सब जगह पर मैप बना हुआ है, मैप में क्या क्या देखने को मिलेगा हम आपको पूरा दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, जो कि रावण के ससुराल उसी का नज़ारा हम आपको दिखाने के लिए आए हैं डायरेक्ट जोधपुर सूरत से। दोस्तों जैसे हम आ गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार बाग और कुछ इधर भी नज़ारा बना हुआ है। यहाँ पर शाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, पर्यटक लोग आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ पर एक कुआँ जैसा है, दिखाते हैं इसके अंदर भी चल के दिखाते हैं आपको नज़ारा कैसा है। कुआ नहीं है खाली, ऐसे फवारा बनाया हुआ होगा यहाँ पर, और ये काफ़ी पुराने पीपल के पेड़ भी हैं यहाँ पर, और पीछे शिला कितनी मस्त यहाँ से दिखाई दे रही है, वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, आगे से वापस आते टाइम पे जरूर दिखाएंगे हम आपको वो। तो इधर आप देख लीजिए दोस्तों, तो आप सामने देख सकते दोस्तों कितने प्यारा नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शिला वगैरह बनी हुई है, वहाँ पर ऊपर जाने की भी परमिशन है, काफ़ी हरियाली है यहाँ पर। और इधर आप देख सकते हैं ये है रावण के जमाने का पूरा, जो उनकी जो पत्नी थी मंदोदरी जी,
उनके सब मंदिर वंदिर यहाँ पे बनाए हुए हैं और यहाँ पर पूरा गार्डन वगैरह बनाया हुआ है सामने दोस्तों, आप देख सकते हैं पानी के फव्वारे चलते हैं सामने। इधर लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर सब लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो जैसे हम आगे की तरफ आए थे तो इधर आप देख सकते हैं इधर काफी पुराने मंदिर हैं। अभी लेके चलते हैं इनके अंदर और इनके अंदर का आपको दिखाते हैं कैसा व्यू है, कैसा मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। और हर मंदिर पे लगभग नाम लिखे हुए हैं कौन से भगवान का किस देवता का मंदिर है, सबके नाम लिखे हुए वो हम आपको पूरा बताएंगे। और चारों तरफ देखिए दोस्तों कितना सुंदर यहाँ से व्यू दिखाई देता है दोस्तों, ये रावण के ससुराल हम आपको दिखा पा रहे हैं दोस्तों। चलते हैं फिर आपको दिखाएंगे पूरा 1532 से 1562 तक देवल महाराज राव मालदेव। ये देखिए दोस्तों उसी नजारा है मंदिर का और चारों तरफ देख सकते हैं कितने पुराने पुराने मंदिर हैं दोस्तों ये। तो दोस्तों आप इनकी डिजाइन देखे दोस्तों कितनी बारीकी से, एक एक डिजाइन इतनी बारीकी से बनाई गई है। उस जमाने में लगभग ये रावण के जमाने की जो महल दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप खुद अंदाजा लगा सकते देखिए दोस्तों कि किस प्रकार से उस टाइम बनाया गया होगा। मंदोदरी जी जो यहाँ की महारानी जी थी उनके पिताजी ने इसको बनवाया था जो उनकी ससुराल थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आगे ब्रिज बना हुआ है पूरा घूमने के लिए चारों तरफ, और वापस हम चलते हैं इधर के लिए, इधर से आपको पूरा नज़ारा दिखाते हुए निकलते हैं दोस्तों। दोस्तों आप इधर देखेंगे एक सुरंग जैसी यहाँ पर बनी हुई है, ये टनल बताई गई है लेकिन इस पर नाम लिखा हुआ तो मिट गया लेकिन पता नहीं है, अंदर काफ़ी कचरा है और पानी भी भरा हुआ आप देख सकते हैं दोस्तों इसको। और इस तरफ अंदर बनी हुई सुरंग जैसे पता नहीं सुरंग कहाँ तक जाती है। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ लिखा हुआ है कृपया जूते उतारने के बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश करें। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है हम आपको एक बार पढ़ के बता देते हैं, जो महाराजा धीरज सवाई सोर सिंह और उनके बारे में यहाँ पूरा लिखा हुआ पढ़ सकते हैं दोस्तों पॉज करके। और चलते हैं बड़े वाले मंदिर की तरफ, इस मंदिर में देखते हैं क्या चीज़ है, ऐसा क्या नज़ारा है इधर का। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी मंदिर के अंदर कोई मूर्तियां नहीं मिलती हैं, तो यहां से देखिए दोस्तों कितना सुंदर यहां से व्यू दिखाई देता है दोस्तों ये पूरा। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक भी मूर्तियां नहीं है मंदिरों में, जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस आप देख सकते हैं। और ये आप डिजाइन देख सकते हैं दोस्तों क्या प्यारी प्यारी डिजाइन यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा दोस्तों देख सकते हैं खुद ये। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कितना प्यारा व्यू दिखाई देता है, ये अलग अलग शिलाएं बनी हुई हैं हवा महल टाइप के बने हुए आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो रानियाँ थी जो राजकुमारियाँ थी और जो यहाँ पे आते होंगे यहाँ पे आराम किया करते होंगे, और यहाँ पे कई सारे लंगूर दोस्तों आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और अंदर की तरफ चलेंगे ऊपर हम पहाड़ी से भी आपको पूरा नज़ारा ऐसा क्लियर दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हमने आपको काफ़ी सारे मंदिर दिखाए और अभी काफ़ी सारे मंदिर दिखाने बाकी भी हैं, मंदिरों के अंदर एक भी मूर्तियाँ स्थापित नहीं है जैसे कि आपको दिखाया मैंने। और ये एक नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शिवजी का शिवलिंग है और यहाँ पर नंदी जी हैं और उधर गणेश जी की मूर्ति से जैसा लग रहा है। और कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर घिस चुकी हैं मिट चुकी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये खाली हमें एक शिवलिंग मिला है। और आगे आपको दिखाएंगे क्या मंदिरों में कहीं हमें मूर्तियाँ देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर कई सारे लंगूर वगैरह आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों ये सब छतरियाँ बनी हुई जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ की जो राजकुमारियाँ थी अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए आती होंगी समय बताने के लिए। और ये है एक बड़ा सा मंदिर जहाँ पे महाराजा धीरज जी ने इनको बनाया था पता नहीं यहाँ। तो दोस्तों अभी हम आए हैं मेन मंदिर में, जो बड़ा सा मंदिर था उसका नज़ारा हम आपको दिखाएंगे अंदर से कैसा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगता है यहाँ पर बलि वगैरह चढ़ाई जाती है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बदबू आ रही है ब्लड जैसे, जो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। और इस मंदिर में और कुछ नहीं है इनके अलावा, और चमगादड़ वगैरह यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें। तो हम जो ब्लॉग शूट करके दिखा रहे थे इस जगह इस मंदिर से दिखा रहे थे, और इसके बाजू में एक मंदिर और है ये भी इतने इसके इतना ही है लेकिन इससे थोड़ा बड़ा होगा। और यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या होता है इस मंदिर के अंदर क्या चीज़ थी ऐसी दोस्तों। तो इधर का नज़ारा आप देखेंगे दोस्तों काफ़ी सुंदर है, देखेंगे दोस्तों इस मंदिर के भी एक बार अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको नज़ारा कैसा है। और यहाँ पर इस मंदिर में ताला लगाया हुआ है आप देख सकते हैं, जैसे कि
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार के चिन्ह बनाए गए हैं। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों किस पशु के चिन्ह बने हुए, आप अंदाजा लगा सकते हैं देख के। और इस मंदिर में भी शायद बलि चढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों अंदर कैसा है नज़ारा। तो दोस्तों अभी हमने जो आपको पूरा व्यू दिखाया था इस तरफ से हम पूरा दिखाते हुए आ रहे थे, तो अभी हम जाएंगे इधर जो पुराना किला था, जो यहाँ की राजकुमारी थी उनका किला था, वो किला हम देख रहे सामने, ऊपर जाके यहाँ के आपको नज़ारा दिखाएंगे। और आगे म्यूजियम है, म्यूजियम में भी आपको रावण के कुछ अवशेष हैं बताए गए, कुछ चीज़ें हैं देखने लायक, हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो वापस हम चलते हैं इधर से, निकलते हैं उधर के लिए दोस्तों। तो आप कुछ देख सकते हैं दोस्तों, और एक ये मंदिर था बड़ा सा जो मैंने अभी आपको दिखाया दोस्तों। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लेजर लाइट वगैरह लगी हुई दोस्तों, आप देखेंगे इधर चारों तरफ ये जो गार्डन है। और फिलहाल इसका अभी काम चालू है, इस चीज़ में से पानी के फवारे वगैरह सब चेक किए जा रहे हैं, दोबारा से इसको बनाया जा रहा है दोस्तों। वो है सामने ऊपर किला है, फिलहाल तो पूरा वो किला जो है पूरा जर्जर हो चुका है, पूरा खंडर हो चुका है दोस्तों। मैं चलता हूँ इस तरफ में, इधर से आया था आपको व्यू दिखाया था पूरा आपको मैंने, और वापस मेरे को इधर जाना है। लेकिन एक झलक मैं आपको यहाँ पर ही दिखाया था, यहाँ पर भी कुछ है तो यहाँ मैं पढ़ के देखता हूँ है क्या चीज़ इधर, तो मैं आपको उसका नज़ारा भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मल्टी कलर प्लांट, तो चलते हैं ऊपर की तरफ और दिखाते हैं यहाँ का व्यू कैसा है दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कलर के फ्लावर फूल लगे हुए हैं, और इधर काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुकून भरी यहाँ पर जगह है। अगर कभी आप आते हैं जोधपुर तो ये बहुत ही अच्छी जगह घूमने लायक, रावण की ससुराल भी आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों, रावण की। तो इधर आप देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ काफ़ी प्यारी हरियाली है, इधर देख सकते हैं दोस्तों कितना मस्त यहाँ से नज़ारा दिखाई दे रहा है दोस्तों। और ऊपर तरफ जाएंगे आपको आइसक्रीम वगैरह यहाँ पर सब मिलती है, यहाँ पे आप आइसक्रीम वगैरह खा सकते हैं, पानी के बोतल वगैरह मिलती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर दिखाई दे रहा नज़ारा। तो दोस्तों ये है एक थम्मा महल ये है, और अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं, यहाँ पर कबूतरों को दाना वगैरह डालते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है अंदर, ये नज़ारा है कुछ मंदिर का, तो अंदर ताला लगा हुआ है देख लिया, ये खम्बा महल इसी को बोलते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, यहाँ पर म्यूजियम है और एक मंदिर भी है, उसका नज़ारा हम आपको दिखाएंगे अभी। तो हम यहाँ पर लिखा हुआ देवताओं की शाल, जो देवता थे उनकी सब शाल यानी जो मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, तो पहले उसका व्यू आपको मैं दिखाता हूँ कैसा है। तो मैं इधर से आया था, वैसे आप इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी रास्ता बना हुआ है, तो मैं इधर से पूरा घुमाता हुआ आपको लाया था। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं देवताओं की जो साल है, और यहाँ पे टाइम टेबल लिखा हुआ है, संरक्षित स्मारक देवताओं की साल खुलने का समय 9:45 और बंद करने का समय 5:15 आदेशानुसार। तो आया हूँ मैं अंदर की तरफ, यहाँ पर लोग कबूतरों को दाना वगैरह डालते हैं, अपनी जो मुरादें होती हैं उनको पूरा मांगते हैं यहाँ पर। तो मैं स्टार्टिंग वहाँ से दिखाता हूँ मैं किस प्रकार की मूर्तियां हैं, और सबके नाम भी बताता जाऊँगा, और सबके नाम यहाँ लिखे हुए हैं दोस्तों। तो पहले यहाँ मैं आपको पढ़ के बताऊँ, यहाँ लिखा हुआ है देवताओं की शाल व वीरों की दालान, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो फर्स्ट में आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ देख सकते हैं ये श्री गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई, आप देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से, और ये है श्री जलंधर नाथ जी की प्रतिमा है, और इसके बाद में श्री महादेव जी, और इसके आगे श्री कृष्ण जी भगवान की आप देख सकते हैं दोस्तों इधर। और ये पूरा कांच में पैक किया गया है इसको, और इसके लिए थोड़ा लाइट आ रही वापस। और ये श्री रामचंद्र जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जितनी भी शिलाएँ थी मैंने आपको सारी दिखा दी हैं जो मूर्तियाँ थी। अभी मैं वापस चलता हूँ म्यूजियम की तरफ, फिर आपको म्यूजियम दिखाता हूँ, फिर ऊपर चलता हूँ पुराने किले की तरफ। मैं आगे की तरफ आया था, मुझे यहाँ पर एक मंदिर मिला है, आप देख सकते हैं दोस्तों ये मंदिर है, और इधर से सीधा म्यूजियम के रास्ता जाता। तो हम चलते हैं वापस म्यूजियम के लिए, मंदिर में आते टाइम दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे जो भी जोड़े शादी करके आते हैं अपने मुराद पूरी करते हैं, और यहाँ पे यज्ञ वगैरह किए जाते हैं इसे दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इंद्र गणेश जी की मूर्ति है, और शांतिदेव भवन यहाँ पर किए जाते हैं, और ये है संग्रहालय यानी म्यूजियम। तो अभी हम वापस चलते हैं म्यूजियम की तरफ, और यहाँ से टिकट खिड़की है। अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ, तो हमने 20 रुपये का टिकट लिया है, ये म्यूजियम का एक टिकट लगता है जिसके अंदर पूरी यहाँ पे बताया जाता है जो
मंडोर के बारे में, तो स्टार्टिंग करते हैं इधर से, फिर आपको दिखाते हैं पुराना नज़ारा कैसा है। इसको बोलते हैं नग गंगा। तो यहाँ से तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं देख के आता हूँ क्या है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, बात बताता हूँ उसके बारे में क्या क्या चीज़ का है परमिशन। तो अंदर अलाउ नहीं है, मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। भाई कुछ पुराने मूर्तियाँ अवशेष हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको अभी। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कुछ मैं अंदर से आपको नज़ारा दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार का है। ये काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ ब्रह्मा जी 17वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी ये सब मूर्तियाँ हैं, और ये पूरा नक्शा बना हुआ था इस टाइप का दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका। ये है बेमाता 17वीं शताब्दी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो नग गंगा है, यहाँ पर जो महारानी थी, जो राजकुमारी थी, यहाँ पर नहाया करते थे, नहाने के लिए बनाया गया था उस समय पर। अभी तो फिलहाल इसको टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, इसमें पंप वगैरह लगे हुए हैं। और अभी मैं चलता हूँ उस आगे की तरफ, और मैं आपको बता दूं, अगर अंदर वीडियो अलाउ नहीं था तो मैं आपको बता दूं, अंदर कुछ शिलाएँ थी 9वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी की, कुछ पुरानी मूर्तियाँ थी, वही सब अंदर था। जैसे कि मैंने आपको एक झलक दिखाया था दोस्तों अभी। तो दोस्तों इस महल के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जनाना महल बोला, इसको जनाना महल बोलते हैं। सन 1707 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, 1724 में इसका काम पूरा हुआ था। जनाना महल अपने स्थापत्य कला बनावट के कारण बरबस ही सबको अपने ओर आकर्षित करता है। तो आप देखिए, तो इसको जनाना महल बोलते हैं, काफ़ी सुंदर है, यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है देखने में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको जो पुराने मंदिर थे वो सारे मंदिर दिखा दिए, और म्यूजियम था, म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें मैंने आपको सब बताया। तो वापस अभी हम बढ़ते हैं, जो किला था यहाँ का, मंडोर का किला था, जहाँ पे राजकुमारी मंदोदरी रहती थी, वो किला है, वो किले का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी पुराना किला है, जर्जर हो चुका है पूरा, कुछ अवशेष हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं, ये पूरा इलाका है, ऊपर किला है दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं। तो हम वापस किले के पास आ गए हैं, फटाफट आपको किला दिखा देते हैं। इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर नार सिंह जी का मंदिर है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इस तरफ मंदिर है आप देख सकते हैं, और किले का रास्ता उस तरफ से दोस्तों, आप देख लीजिए एक बार। तो ये मंदिर है, लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पर, काफ़ी पुराने यहाँ पे पत्थर वगैरह रखे हुए आप देख सकते हैं, जैसे कि इधर सकते हैं, यहाँ पर जो नज़ारा है ये सब कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम इसके ऊपर जाएंगे और ऊपर का व्यू आपको इसमें वीडियो में दिखाऊंगा, और जो आप सामने चोटी दिख रहे हैं किले की, मैं उसके ऊपर चढ़ूंगा दोस्तों, ऊपर से आपको पूरा एकदम व्यू कराऊंगा। दोस्तों हम आपको बताते हैं, यहाँ पर मतलब किला हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल खंडर बन चुका है, यहाँ पर खाली दीवारें बची हुई हैं। इस प्रकार का किला नहीं है कि कुछ यहाँ पर कुछ सबूत हो, लेकिन यहाँ पर खाली पुरानी दीवारें बची हुई हैं, जैसे कि आप खुद देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हजारों साल पुराना ये किला था। तो अभी हम आगे चलेंगे, आगे से भी आपको नज़दीक से दिखाते हैं उसका नज़ारा, उसका नज़ारा। दोस्तों जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ से मेन गेट बना हुआ है ऊपर जाने के लिए, ऊपर जैसे कि आपने रावण की लंका देखी होगी, उस प्रकार से अवशेष यहाँ पर भी बचे हुए हैं, जिसे मैं आपको दिखाने जा रहे हैं अभी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर उस किले के बारे में पूरा बारीकी से लिखा हुआ है, आप जूम करके पढ़ सकते हैं कि कैसे उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी दी हुई है। और अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर से आपको इसका व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों हम फिलहाल पहुंच चुके हैं रावण की ससुराल मंडोर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसा नज़ारा है यहाँ का, और ऊपर से आपको दिखाएंगे हम आपको पूरी ब्लू सिटी, यानी जो जोधपुर सिटी है, जिसको नीला सिटी भी कहा जाता है, उसका नज़ारा हम आपको पूरा ऊपर से दिखाएंगे दोस्तों। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उस टाइम में कितना सुंदर नज़ारा लगता होगा, जो सारी डिजाइने आप देख सकते हैं, कितना प्यारा नज़ारा होगा, आज से लगभग कई हजार साल पहले की बातें हैं ये। सो दोस्तों हम आपको बता दें, हम इस टाइम जो रावण की ससुराल थी मंडोर में, जो किले की सबसे ऊंची मीनार थी, उस मीनार पे हम लोग बैठे हुए हैं, खड़े होकर वीडियो आपको बना के दिखा रहे हैं। किसी समय पर यहाँ पर राजा महाराजा, यहाँ की जो महारानी थी और उनकी जो पुत्री थी जो मंदोदरी, वो बैठा करती होंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चारों तरफ कैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है दोस्तों, काफ़ी प्यारा यहाँ से व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। पीछे देख सकते हैं ब्लू सिटी, यानी पूरा जोधपुर यहाँ से दिखाई देता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा यहाँ का जो किला था वो दिखा दिया, पूरे मंदिर दिखा दिए, रावण की पूरी ससुराल दिखा दी। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो हमारी, हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार के और भी नई नई जगह आपको देखने को मिलेंगी। और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, जहाँ पर रावण के फेरे हुए थे, जहाँ पर रावण की जो बारात आई थी ना, वो जगह हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पर एंड करने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।